हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद उवैस सलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग के एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में, और इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी भी रही थी, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ज़्यादातर कॉलेजेस हैं और वहाँ पर काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट में बहुत कम सीट्स ही बची हुई हैं। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आ गया है और परसेंटाइल भी रिड्यूस हो गई है, उसका भी नोटिफिकेशन इसी में दे दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट की परसेंटाइल कम हुई है और वो एलिजिबल हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 87 या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, यानी 25% से ज़्यादा आपके होने चाहिए मार्क्स, या फिर अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके 112 या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए, या फिर परसेंटाइल के टर्म्स में देखेंगे आप तो आपकी जो है 35% तो आपकी 35% या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन की डेट भी आ गई है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन है 2 दिन 20 घंटे बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है, आप नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएंगे तो नीचे जो है यहाँ पर मिलेगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं कि ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या प्रोसेस करना है पूरा, उसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो यहां से आप जो शेड्यूल डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ स्टेप वैकेंसी राउंड के लिए, जो कि नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ही आया है। तो जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट्स की बात की जाए, ये BMS, BHMS और सभी के लिए परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी परसेंटाइल कम थी और अब वो एलिजिबल हो गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका जो है 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे से स्टार्ट होगा दोपहर के, और फिर 27 तारीख तक स्टार्ट रहेगा दोपहर के 2 बजे तक। टाइमिंग ज़रूर याद रखें, कई लोग सिर्फ डेट देखते हैं और फिर उसके बाद कई बार सोचते हैं कि 27 को लास्ट तक होगी, लेकिन 2 बजे ही टाइम खत्म हो जाता है यूपी में, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी टाइमलाइन चलेगी, आप यहाँ पर ध्यान दें। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पर जो है पेड काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। इसमें आपको जो है टीम पूरा कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस देगी कि कैसे काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई भी प्रोसेस में अटकते हैं तो उसमें हेल्प की जाएगी। उसके साथ ही कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहाँ पर सीट्स वैकेंट है और किन कॉलेज को आप किस प्रेफरेंस में रख सकते हैं, यानी बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज जो आपके लिए पॉसिबल होगा, वो भी इसमें बताया जाएगा पेड काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर। तो उसके लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेंगे। हम वहाँ पर आपको मैसेज डाल देंगे, QR कोड डाल देंगे, उस QR पर आप पेमेंट करके ऑफिशियल हमारे नंबर पर जो है भेज देंगे कि ये हमने पेमेंट कर दिया, फिर आपको जो है ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में और टीम जो है आपको हेल्प करेगी। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सबको ये सब सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देना अवेलेबल नहीं है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ लिमिटेड ही रहेगा जो लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें टीम को भी पैसा देना रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये रहेगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट 1200 रुपये में पूरा गाइडेंस, ठीक। और कोई भी लोग जो है वहाँ पर कॉल ना करें, क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा, आप जो अपनी क्वेरी को सिर्फ वहाँ पर डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे और फिर आपको अप्लाई मिल जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की डेट जो है आपकी 25 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी, 12 बजे से लेकर 27 के 5 बजे तक, 27 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप जो है अपना सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन होगा, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, और उनका जो वेरीफिकेशन है 28 से 29 के बीच में होगा, यानी 28 तारीख को 10 बजे से लेकर 29 तारीख को 6 बजे तक, ठीक है। और स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो 2 दिसंबर को आएगी, फिर उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग है, यानी आप किस कॉलेज को किस ऑर्डर में भरेंगे, वो भी 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में, यानी सिर्फ 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा, इसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर उसके बाद जो आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आएगा 4 दिसंबर को, फिर उसके बाद नोडल सेंटर पर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन 6 तारीख और 7 तारीख को कराना होगा 2 दिन के अंदर, फिर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर एडमिशन लेना होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हो गया। परसेंटाइल की बात इन्होंने बता दी है कि जनरल या EWS से आप हैं तो आपके 35% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, या फिर आप PWD हैं तो आपके 30% या उससे ऊपर होना चाहिए, या फिर आप OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी 25% या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। परसेंटाइल क्या मतलब होता है, कैसे चेक करना, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको पूरा जो है इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब बात चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यानी पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये ज़्यादातर वो स्टूडेंट होंगे जिनकी परसेंटाइल पहले कम थी, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके जो है आप जाकर देख लेना कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। और इसमें जो आपको 2000 रुपये जमा करने हैं रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है।
फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 रुपये है और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये। ये सिक्योरिटी किसके लिए, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट, फिर उसके बाद सिक्योरिटी का अमाउंट भरेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले दूसरे या तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी वो रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके होंगे, वो सिक्योरिटी अमाउंट भी पहले ही भर चुके होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट को सिर्फ 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी जमा हुई है तो उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि ऑल इंडिया कोटा से जो इनएलिजिबल कैंडिडेट थे वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो पहले ही एडमिशन ले चुके हैं और वो चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो अपग्रेडेशन भी यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। जो एडमिशन ले चुके हैं वो फाइनल उनका वही कॉलेज रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ अलग में लिख दिया, कैंडिडेट एडमिटेड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड आर नॉट एलिजिबल फॉर ईस्टर वैकेंसी राउंड। पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो आप इस ईस्टर वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका पुराना कॉलेज ही फाइनल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करनी होगी, कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो अगर आपका कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसमें जाकर एडमिशन लेना होगा। ठीक है, और जो भी टाइमलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको नोटल सेंटर पर वेरिफिकेशन करा के अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो ये हुए पूरे रूल्स रेगुलेशंस एंड पूरा प्रोसेस जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए हैं। इसके बाद भी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हालांकि उसको अभी रेस्पॉन्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी बिजी चल रहे हैं। तो जिनको अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट क्वेरी हो तो वो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, उसमें जो है आपको टीम पूरा गाइड कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।